वैसे कहने को तो देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन देश भर में गांव गलियारों से लेकर शहर की बहारों में क्रिकेट बसता है। देश के हर युवा जेहन में देश के लिए खेलने की मुरादें होती हैं। भारत में लाखों लोग 22 गज की पट्टी पर अपने अरमान पूरे करना चाहते हैं, लेकिन ये कारनामा करने का मौका तकदीर कुछ ही लोगों को देती है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सपनों को साकार करने के लिए सिर्फ तकदीर का सहारा ही जरूरी नहीं है, बल्कि अपनी काबिलियत, जज्बा और असीमित प्रतिभा के बल पर कईयों को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचते देखा गया है। कहते हैं दुनिया में हर चीज की एक हद होती है, लेकिन भारत के सूर्य कुमार यादव ने हदों से बाहर निकलकर क्रिकेट के सभी बेसिक्स बदल डाले। अपने करियर की छक्के से शुरुआत करने वाले सूर्य कुमार यादव ने क्रिकेट जगत में अपनी मौजूदगी कुछ इस कदर दर्ज कराई कि दुनिया उन्हें मिस्टर 360 के नाम से जानने लगी। यूपी की धरती से उदयमान हुआ इस सूर्य का तेज कम समय में ही क्रिकेट की दुनिया में जोरदार चमक बिखेरा और आज दुनिया प्यार से उसे स्काई बुलाती है। आज इस रिपोर्ट में सूर्य से जुड़ी वो तमाम अनसुनी कहानियां बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि मुंबई की गलियों में क्रिकेट की ABCD सीखने वाला यूपी का लड़का क्रिकेट के आसमान में अपना तेज बिखेरने में कैसे कामयाब रहा। सूर्य कुमार यादव का जन्म 14 सितंबर 1990 में हुआ। उनके पिता का नाम अशोक यादव था। सूर्य को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक चढ़ गया था। सूर्य का परिवार वैसे तो यूपी के गाजीपुर से ताल्लुक रखता है, लेकिन बचपन में ही उनके पिता नौकरी करने के लिए मुंबई शिफ्ट हो गए। सूर्य के क्रिकेट के शौक को देखते हुए 10 साल की उम्र में उनके पिता ने शक्तिनगर के क्रिकेट कैंप में उनका दाखिला करा दिया। इसके बाद सूर्य ने क्रिकेट की एकेडमी ज्वाइन कर ली। मुंबई से एज ग्रुप क्रिकेट खेलने लगे। यहाँ उन्होंने अपने शानदार खेल के बलबूते अपनी धमाकेदार चमक बिखेरी और फिर खुल गई वो राह जो सूर्य को मुंबई के रणजी टीम तक लेकर गई। सूर्य ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के पहले ही मैच में 73 रनों की शानदार पारी खेलकर ये बता दिया कि दरअसल वो किस स्तर के खिलाड़ी है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में धमाकेदार खेल दिखाने का परिणाम ये हुआ कि सूर्य कुमार यादव को मुंबई इंडियंस ने अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया। हालांकि यहां उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। बाद में फिर से सूर्य कुमार यादव ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रनों की बौछार की। इसके बाद सूर्य कुमार यादव IPL की फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़ गए। 2012 के IPL में सूर्य कुमार यादव को मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलने का मौका मिला, लेकिन वहां सूर्य खाता भी नहीं खोल पाए। ये साल सूर्य के लिए काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। इस साल में सूर्य का फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी काफी फीका रहा, लेकिन 2013-14 के सीजन में मुंबई रणजी ट्रॉफी खेलते हुए सूर्य ने चमकदार वापसी की और अपनी परफॉर्मेंस के दम पर उन्होंने मुंबई की कप्तानी हासिल की। लेकिन यहां उनकी शार्दुल ठाकुर से कुछ कहा सुनी हो गई। नतीजा ये हुआ कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी चली गई। सूर्य को अभी तक सिर्फ एक IPL मैच खेलने का अनुभव था, जबकि स्कोर 0। ऐसे वक्त पर उन पर भरोसा जताया कोलकाता नाइट राइडर्स ने, लेकिन KKR के साथ जुड़कर सूर्या को आखिरी के कुछ ओवर खेलने को मिलते। सूर्या आखिरी के 15-16 गेंदों पर कुछ शानदार शॉट लगाते, लेकिन उनका करियर आगे नहीं बढ़ पा रहा था। फिर 2015 में उनकी तरफ से 20 गेंदों में 46 रनों की लाजवाब पारी ने IPL जगत में नया धमाका ला दिया। इसके बाद सूर्या KKR के उप कप्तान भी बने और 2017 तक इस फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े रहे। IPL में सूर्य कुमार यादव का करियर शानदार चल चुका था। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सूर्या अपनी पहचान बना चुके थे। बावजूद इसके सूर्या के लिए नीली जर्सी अभी भी किसी सपने के जैसी थी। साल आया 2018, पहली बार सूर्या का सितारा चमका। सूर्य कुमार यादव को मुंबई इंडियंस ने 3.2 करोड़ रुपए में खरीदा, जो उनकी जिंदगी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। मुंबई इंडियंस में घर वापसी के बाद सूर्य कुमार यादव का खेल अचानक निखरने लगा। यहां उन्होंने अपनी फिटनेस, खेलने की स्टाइल और बेसिक्स पर खूब काम किया। अब तक जिस सूर्य को लोग एक एवरेज खिलाड़ी मानते थे, वो अब स्टार बन रहा था। 2018 के IPL में सूर्य कुमार यादव मुंबई के टॉप स्कोरर बने। मुंबई इंडियंस में परमानेंट 3 नंबर पर जगह और देवधर ट्रॉफी इंडिया बी के लिए सूर्य का नाम सिलेक्ट हुआ। इस दौरान अच्छा खेलने के बावजूद भी सूर्य का सिलेक्शन टीम इंडिया में नहीं हो रहा था। साल था 2020 और सूर्या IPL में 145 के स्ट्राइक रेट और 40 की औसत से खेलने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया जा रही टीम इंडिया के स्क्वाड में उनका नाम शामिल नहीं हुआ।
स्क्वाड चुने जाने के अगले ही दिन मुंबई इंडियंस और आरसीबी का मैच था। इस मैच में आरसीबी के कप्तान विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव के बीच झड़प भी हुई। कई साल बेहतर खेलने के बाद 2021 में सूर्य कुमार यादव का चयन इंग्लैंड के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज के लिए हुआ। पहले T20 मैच में सूर्य कुमार यादव को खेलने का मौका नहीं मिला और दूसरे मैच में उन्हें बाहर बैठा दिया गया। फिर चौथे मुकाबले में सूर्य कुमार यादव क्रीज पर थे और अपने करियर की पहली गेंद खेल रहे थे, तभी इंग्लैंड के घातक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की तेज गेंद को पीछे की तरफ छक्का मारकर अपना लेवल साबित कर दिया। 57 रन की पारी में जिस तरह सूर्या का बल्ला गरजा, वो साल दर साल बदस्तूर गरजता गया। मैदान के हर कोने पर गगनभेदी छक्का मारने का हुनर और मैच जिताऊ पारी के बलबूते सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया के परमानेंट मेंबर बने और फिर चयनकर्ताओं को अपनी इम्पोर्टेंस बताई। आज सूर्य कुमार यादव भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं और अपने हुनरमंद बैटिंग से पूरे दुनिया में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हुए हैं। सूर्य कुमार यादव अपना आदर्श रोहित शर्मा को मानते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा ही वो खिलाड़ी थे जिन्होंने पहली बार सूर्य कुमार यादव के टैलेंट को पहचाना। तो ये थी कहानी भारत के स्टार बल्लेबाज और मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव की। इस खास पेशकश में हम आपके लिए और भी कई दिग्गज क्रिकेटरों की जिंदगी से जुड़े किस्से लाते रहेंगे।